हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक पार्ट है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सीरीज का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है, एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर किस तरह से सोचता है। और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम जानेंगे लाइव एग्जाम्पल के बारे में कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने एक क्राइसिस की सिचुएशंस में कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को यूज करके किस तरह से प्रॉफिट बनाया। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेट इन्वेस्टर्स ने क्राइसिस या पैनिक के टाइम में एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेके किस तरह से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग से पैसा बनाया। माइकल बरी, जो एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट और हेज फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने 2005 में ही 2008 में आने वाले फिनेंशियल क्राइसिस को समझ लिया था। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि अमेरिकन जो हाउसिंग मार्केट है वो काफ़ी ओवरप्राइज है और ये बबल जो है आने वाले दिनों में बस्ट होने वाला है, यानी कि जिस हाई प्राइस पे अमेरिकन हाउसिंग मार्केट है उस प्राइस पे वो स्टेबल नहीं रह सकता, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं टिक सकता, इसलिए मार्केट में गिरावट आना तय था। बरी को लगा कि जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत सेफ है, ऐसा लोग समझ रहे हैं, यानी कि लोग सोच रहे हैं कि हाउसिंग काफ़ी सेफ है और इसके चक्कर में जो रिस्क है, जो आने वाली रिस्क है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। माइकल बरी ने अमेरिकन हाउसिंग मार्केट पे बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च की और रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये हाउसिंग मार्केट काफ़ी ओवरप्राइज्ड है और ये बबल बस्ट होने वाला है, और उन्हें अपने रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था, काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उन्होंने CDO के अगेंस्ट इंश्योरेंस को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदा। और उसके बाद आया 2008 का ग्रेट फिनेंशियल क्राइसिस। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां, रेटिंग एजेंसियां, ये जो जितनी भी सारी फिनेंशियल कंपनियां हैं वो सारी रातों रात बैंकक्रप्ट हो गई। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसका इम्पेक्ट अमेरिकन मार्केट के अलावा भी पूरी दुनिया में महसूस किया गया और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और ख़ास करके अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। और जब माइकल बरी को अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट था तो उन्होंने मार्केट जब गिरा या मार्केट में जब ये बबल बस्ट हुआ, जब स्टॉक के प्राइजेस गिरने लगे, तब उन्होंने मार्केट के अगेंस्ट शॉर्ट सेलिंग की और शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। उनकी इस स्टोरी पे बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द बिग शॉर्ट। ये बहुत ही अच्छी बुक है इस स्टोरी पे, डिपेंड माइकल बरी की स्टोरी पे कि इन्होंने किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट को समझा, हाउसिंग मार्केट को समझ करके और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनाई और उस पे ये बेस्ट है। आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। और इसी बुक पे एक मूवी भी बनाई गई है 2015 में जिसका नाम भी द बिग शॉर्ट है। और एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को ये बुक और ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और बहुत सारे स्टॉक के प्राइसेस आधे से भी ज़्यादा गिर चुके थे, खास करके फिनेंशियल्स कंपनियों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर और रेटिंग एजेंसियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जो भी फिनेंशियल कंपनियां हैं उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। और इस प्राइजेस गिरने के बावजूद भी अमेरिकन ग्रेट इन्वेस्टर ने कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को अपनाते हुए, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करते हुए उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया। गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी है और आज जब वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट को 10 साल बाद हम देखें तो उनके गोल्डमैन सैक्स के इन्वेस्टमेंट ने उनको 10 सालों में 300% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 10 सालों में S&P 500 का रिटर्न अपन देखें तो 130% का ही रिटर्न S&P 500 ने दिया है। तो अमेरिकन ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, सब मार्केट से डरे हुए होते हैं, तब आपको मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए और जब सब खरीद रहे होते हैं तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा होती है और इस अप्रोच को आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में आप मेजोरिटी के अगेंस्ट पोजिशन बनाते हैं। मेनली लोग क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और मेजोरिटी लोगों को फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहे हो, वहाँ उनको एक कंफर्ट मिलता है, उनको एक साथ मिलता है
कि बाकी सब भी हमारे साथ है, अगर लॉस होगा तो इनका भी लॉस होगा, लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं और आपकी रिसर्च में आपको लगता है कि मेजोरिटी जो कर रही है वो गलत कर रही है और हमें अपनी रिसर्च पे ट्रस्ट करके उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनानी चाहिए, तो ये दो लाइव एग्जाम्पल है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की अप्रोच को अपनाते हुए किस तरह से ग्रेट इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और क्वेरी है आपकी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट से स्टे अपडेट रहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक एडवाइस के बारे में, एनालिसिस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं जो है STS प्राइम मेंबरशिप। इस प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन लिख के आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा 8239249769 पे। इस पे मैसेज करने के बाद आप हमारी मेंबरशिप में एक मेंबर हो जाते हो और आपको लाइफ टाइम ये सर्विसेज फ्री मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।